गुड मॉर्निंग सर, आपने जो हमका फिल्म रोल डेवलप करने को दे रहा उका फोटो आएगा। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है। अरे आपने क्यों तकलीफ की, हमें बुला लिया होता। जाबर, इसे पहचानते हो? इंस्पेक्टर साहब, दिन में हजारों आदमियों से मुलाकात होती है मेरी, इसे पहचानना मुश्किल है। अब क्या ख्याल है? पसीना पहुंच लो जाबर, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मैं याद कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब कि इतनी बड़ी रकम मैं हमेशा चेक से दिया करता हूं। ब्लैक का पैसा रखने वालों के यहां आजकल बहुत रेड्स होती हैं। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस इंसान को तो जानता तक नहीं। जाबर, ये वही आदमी है जिसने एंथनी को मारा था और इसी ने गीता की जान ली है। जरूर ली होगी, आदमी शक्ल से ही खूनी लगता है। और ये खूनी तुम्हारा ही आदमी है जाबर। इंस्पेक्टर साहब, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी का चेहरा किसी के चेहरे पर भी लगाया जा सकता है। वैसे आप ये साबित नहीं कर सकते कि ऐसे रुपए मैंने गीता का खून करने के लिए दिया, और आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि ये आदमी मेरा है। सर, एक लड़की है प्रेजेंट आपके लिए दे गई है। प्रेजेंट? हेलो इंस्पेक्टर, जो रुमाल तुमने मुझे दिया था पसीना पोंछने के लिए, अब खुद इस्तेमाल कर लो। बाय द वे, मेरा तोहफा कैसे लगा इंस्पेक्टर साहब? बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरी एक बात। एक मिनट, मैंने अपनी अभी बात खत्म नहीं की इंस्पेक्टर साहब। तुम एक छोटी सी तस्वीर लेकर आए थे ये साबित करने के लिए कि जागीरा मेरा दोस्त है। अब मेरे तोहफे के बाद तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं। तो ये चाल तुमने मुझे फांसने के लिए चली है? क्या करो सूरज, जब से तुम मेरे इलाके में आए हो मछली का काटा बन गए हो, और अब इस डोर को काटे बिना कोई चारा भी तो नहीं। लेकिन एक वादा रहा, अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने ये तस्वीर देख ली तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा, और अगली मुलाकात में तुम मुझे हवलदार की वर्दी में नजर आओगे। अपनी कामयाबी पर बेवकूफ हंसते हैं जाबर, वैसे कभी कभी बेवकूफ अकलमंदी का भी काम करते हैं। तुमने मुझे यह तस्वीर भेजकर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया, लेकिन अपनी जबान खोलकर बेवकूफ बन बैठे। अगर मुझे कुछ हुआ जाबर,
तो जो कांटा तुम मेरे लिए तैयार कर रहे हो वो तुम्हारे गले में होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मनीषा, इंस्पेक्टर सूरज से दोस्ती कहां तक पहुंची? कहिए क्या करना है मुझे? दो दिन बाद शिवरात्रि है, खुशियों का त्योहार जिसमें हर आदमी रंग और भंग के नशे में चूर होता है। मैं चाहता हूं इस बार सूरज को ऐसा नशा चढ़े जो कभी ना उतरे। मतलब? इसके दो चार कतरे सूरज की भांग में मिला दो। लेकिन ये तो जहर है। नो! तुम्हारे हाथों पिएगा तो उसे अमृत लगेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सूरज से प्यार करती। प्यार तो तुम बिट्टू से भी करती हो जो इस वक्त मेरे कब्जे में है, सही सलामत। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सूरज। तराजू के एक पलड़े में मेरी मोहब्बत थी, दूसरी में मेरी बहन का चिराग बिट्टू। बिट्टू की जान बचाने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत को दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं सूरज। मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई गई है कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और तुम्हें भी सजा जरूर मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जाबर ने उस मासूम को कहां कैद कर रखा है। अजंता अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में। बेसमेंट?
खून के बाद दुनिया ये हरगिज नहीं मानेगी कि सूरज संग्राम सिंह का बेटा है, छुटकी का भाई है, बल्कि ये जानना चाहेगी कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, कौन है वो तुम्हारा। 20 साल जेल में गुमनामी की जिंदगी गुजार कर तुमने बाप का फर्ज अदा कर दिया है। सूरज को जन्म जरूर तुमने दिया है, पर अपनी छाती से लगाकर मैंने उसे पाला है। वो कायर नहीं है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। वो अपना हिसाब खुद चुकाएगा। जिस बेटे की खुशी के लिए तुमने अपने हथियार डाल दिए, उस बेटे की बहन की सगाई कुछ दिनों बाद है, क्या ये खुशी भी तुम सूरज से छीन लेना चाहते हो? संडे के रिसेप्शन में फैमिली को लेकर आइएगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आज के दिन तो ना हो ही नहीं सकती। अगर आज आपके बेटे की जगह मेरे बेटे की शादी होती तो मैं तो 10-10 गिलास पी लेता। लीजिए ना। अच्छा भाई लाओ। जर्नैल सिंह, कमिश्नर साहब ने अपने बेटे बेटी और खानदान की तारीफ में तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन यह बताना भूल गए कि उनके खानदान का ताल्लुक चोर और डाकुओं से भी है। यार क्या कह रहे हैं समधी जी, ये मेरा भाई है, ये जर्नैल सिंह नहीं, ये जसपाल है। आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, मेरी नहीं। आज से 20 बरस पहले यह शख्स मेरी अदालत में लाया गया था और इसे सजा मैंने सुनाई थी। नहीं, ये बात नहीं है, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। धोखा हुआ नहीं,
बल्कि अब आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा खानदान ढूंढिए जो जरनैल सिंह और जसपाल में फर्क महसूस न कर सके। हम आपके साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा मत कहिए, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत कीजिए। तो इस खानदान से रिश्ता जोड़ने से मेरे बेटे की जिंदगी आबाद हो जाएगी। चलिए, ये आदमी कौन है डैडी? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है सूरज, लेकिन इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है डैडी। ये आदमी कौन है जिसकी वजह से आपने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की? मेरी बहन को बर्बाद देखकर भी आप चुप रहे, हमारे खानदान को गाली दी गई फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। बोलिए डैडी, ये आदमी कौन है? मैंने कहा ना कि ये मेरा भाई जसपाल है। डैडी, आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए कि ये बात झूठ है, सच नहीं। मैं तेरी कसम खाता हूं कि जिस तरह तू मेरा बेटा है उस तरह ये मेरा भाई है। हाँ जरनैल, इस घर के तुझ पर अनगिनत एहसान है, अगर तू इस घर की भलाई चाहता है तो चला जाए यहां से। तू अपनी जात पर उतर आया ना? नहीं बेटे, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, ये बता तू मेरे कमरे में क्या करने आया था? क्या हुआ सूरज, क्या बात है भैया? मत कहो ऐसे भैया माँ, ये एक डाकू है और डाकू से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सूरज, मेरी बहन की जिंदगी तो ये बर्बाद कर चुका है माँ, इससे पहले ये कोई और तूफान खड़ा करे मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। गेट आउट। सूरज, तुम जानना चाहते थे ना कि जसपाल तुम्हारे कमरे में क्यों गया था? मैं बता तुम्हें। नहीं संग्राम सिंह, आपको मेरी कसम, आपने वाकई मुझे नहीं पहचाना, आपके बेटे ने ठीक पहचान लिया। मैं कोई जसपाल नहीं, मैं डाकू जरनैल सिंह हूं। तुमने ठीक कहा बेटे, एक डाकू का तुम जैसे शरीफों के खानदान से क्या रिश्ता हो सकता है? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बेटे, कोई रिश्ता नहीं।